शुक्रवार को हुई मॉनसून की पहली बारिश ने दिल्ली को पानी पानी कर दिया। दिल्ली दरिया बन गई और लोग तैरते नजर आए। कहीं गाड़ी डूब रही थी, कहीं घर, कहीं लोग। पानी की बूंद बूंद को तरसती दिल्ली में मॉनसून की पहली बारिश ही इतनी बरस गई कि राजधानी मुसीबतों का शहर बन गया। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, अंडरपास में पानी भरने से गाड़ियां फंस गई, नेशनल हाईवे तक पर पानी जमा हो गया। बारिश इतनी हुई कि इसने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। जून में इतनी ज्यादा बारिश ने 88 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जून के महीने में दिल्ली में 24 घंटों में अब तक की सबसे अधिक बारिश 28 जून 1936 को 235.5 मिलीमीटर दर्ज की गई थी। इस बार शुक्रवार को हुई 228.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग की माने तो ये अब तक का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली में जून में औसतन बारिश 80.6 मिलीमीटर तक होती है, लेकिन इस बार 3 गुना ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। पहली ही बारिश में दिल्ली डूब गई। मथुरा रोड जलमग्न, प्रगति मैदान टनल बंद, तिलक ब्रिज अंडरपास में पानी, मिंटो रोड अंडरपास में सैलाब, संसद भवन, शांति मार्ग, लोधी रोड, लुटियन जोन, नेशनल मीडिया सेंटर, पौश इलाका हो या कच्ची कॉलोनी, हर जगह पानी पानी। दिल्ली ऐसी दिख रही थी जैसे समंदर में शहर समाया हो। पानी काफी हद तक कम हो गया है, तब जाके ये हाल है। जिस वक्त पानी, जिस सब सुबह जब ताबड़तोड़ और मूसलाधार बारिश हो रही थी, उस वक्त यहाँ पानी का स्तर क्या रहा होगा। सुरक्षा के मद्देनजर इस पूरे टनल को बंद किया गया है और कोशिश की जा रही है कि हैवी पंप सेट के जरिए, जो कि इस टनल में पहले से ही जब प्लानिंग की गई थी कि कभी इस तरीके की स्थिति आती है, कभी जल भराव की समस्या होती है या तेज पानी आता है, तो यहाँ से पानी की निकासी कैसे हो, तो बड़े हैवी पंप्स के जरिए पानी निकालने की कोशिश जरूर की जा रही है। मॉनसून की पहली बारिश दिल्ली वालों के लिए आफत लेकर आई। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। वसंत विहार में एक निर्माणाधीन इमारत के गड्ढे में फंसने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। एक दिन बाद 3 मजदूरों के शव को मलबे से निकाला गया। चश्मदीदों के मुताबिक दीवार गिरने से 3 मजदूर उसमें फंस गए थे। इसके बाद बेसमेंट में लगातार हुई तेज बारिश के बाद करीब 10 फीट पानी भर गया था। देखिए, दिल्ली सरकार निकम्मेपन की इंतहा कर दी है। हर साल पानी लगता है, लेकिन पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी से पूछिए, क्या आपने किसी नाले को क्लीन करके, डीसिल्ट करके, उसमें पानी के बहाव को बारिश के अनुसार करने की कोशिश की? जवाब मिलेगा नहीं। मॉनसून की पहली बारिश का असर देश के टॉप अस्पतालों में गिने जाने वाले एम्स पर भी पड़ा है। देश भर से आने वाले मरीजों का इलाज करने वाला दिल्ली एम्स खुद ही बीमार पड़ गया। भारी बारिश के बाद दिल्ली एम्स परिसर की लिफ्ट लॉबी में भी पानी भर गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एम्स की लिफ्ट लॉबी में किस तरह से पानी भरा है। इससे मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह लाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, तेज बारिश से एम्स के कामकाज पर भी असर पड़ा। भारी बारिश के बाद छतों से पानी लीक होने और एसी बंद होने की वजह से शुक्रवार को दिल्ली एम्स में सभी ऑपरेशन थिएटर बंद रहे। एम्स के इमरजेंसी में ऑपरेशन नहीं किए जा सके। मरीजों को सफदरजंग या दूसरे सरकारी अस्पतालों में रेफर कर दिया गया। दिल्ली में बारिश के बाद दिल को झकझोर देने वाला हादसा हुआ। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के न्यू उस्मानपुर में 2 बच्चों की बारिश के पानी में डूबने से मौत हो गई। इन बच्चों की उम्र 8 और 10 साल थी। न्यू उस्मान नगर के पास खादर इलाके में करीब 5 फीट की गहराई वाली एक खाई में बारिश का पानी जमा हो गया था, जहां दोनों बच्चे खेल रहे थे। दिल्ली में पानी पर हमेशा से सियासत होती है, चाहे दिल्ली बूंद बूंद को तरसे या फिर जिंदगानी पानी पानी हो जाए। इस जलभराव के मुद्दे पर भी राजनीति अब तेज है। जलभराव की वजह से प्रगति मैदान टनल बंद करने के बाद बीजेपी ने वीडियो पोस्ट के जरिए निशाना साधा। उधर कांग्रेस नेता उदित राज ने भी बीजेपी पर हमला बोला और आम आदमी पार्टी को बारिश को लेकर एहतियात बरतने की सलाह भी दी। पार्टी की भी जिम्मेदारी है, जो एनडीएमसी का एरिया है, एमसीडी का एरिया है, और उन्हें मालूम था कि बड़ा भारी वर्षा होने वाली है, तो एहतियात उनको बरतना चाहिए था। फिलहाल बारिश काल अभी शुरू ही हुआ है। पहली बारिश में 88 साल का रिकॉर्ड टूटा है।
अगर सिर्फ राजनीति ही होती रही तो अगली बारिश में भी डूबती दिल्ली की ऐसी ही तस्वीर दिखेगी, इससे गुरेज नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। दिल्ली ही नहीं पूरे देश के कई शहरों से परेशान करने वाली तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कहीं सड़कें डूबी हैं तो कहीं घर